नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो विनोटेक गुरु चैनल। आज हम लाभ हानि एंड बट्टे से रिलेटेड सातवीं ट्रिक लेके आए हैं। आपको पीछे वाली 6 ट्रिक समझ में आ गई होगी। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाएं ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, जो कि मैथ रीजनिंग करंट अफेयर्स जीएस से रिलेटेड होंगी। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो लगातार वीडियो का अनुसरण करें, आपके लिए लाभदायक होंगी। चलो शुरू करते हैं आज की हमारी नेक्स्ट ट्रिक। एक दुकानदार कोई वस्तु खरीदते समय एम प्रतिशत लाभ कमाता है। मतलब क्या है, अगर कोई दुकानदार वस्तु को खरीदता है होलसेल मार्केट से तो उस टाइम भी उसको एम प्रतिशत लाभ होता है, और अगर वो उस वस्तु को बेचता है किसी ग्राहक से उस टाइम उसको एन प्रतिशत लाभ होता है। खरीदते वक्त भी लाभ होता है और बेचते वक्त भी लाभ होता है, तो दुकानदार का कुल लाभ कितना होगा? तो इसकी ट्रिक क्या है, कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा, कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा, एम प्लस का एन प्लस का एम गुणा में एन बटे 100। यहाँ एम कुछ भी हो सकता है, 5% 10%, एन कुछ हो सकता है 5% 10%, तो इसमें मान पुट अप करो तो उसका कुल लाभ निकल जाएगा। एम प्लस का एन पहला लाभ प्लस का दूसरा लाभ प्लस का पहला लाभ गुणा में दूसरा लाभ बटे 100। ये हमारी ट्रिक है। इसमें लाभ अलग अलग भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। चलो इस ट्रिक से हम सवाल देखते हैं। हमारा पहला सवाल है, एक दुकानदार कोई वस्तु खरीदते समय 12% लाभ कमाता है और बेचते समय भी 12% लाभ कमाता है, तो दुकानदार का कुल लाभ कितना हुआ? तो कुल लाभ निकालने के लिए हमने ट्रिक लिखी हुई है, तो इसमें मान पुट अप करते हैं। एम कितना है 12, एन भी कितना है 12, प्लस का 12 गुणा में 12 बटे 100, 12 12 24, प्लस का 12 की 12 गुणा कर 144 बटे 100, तो कितना आंसर आ गया 24 प्लस का 1.44। दुकानदार का कुल कितना लाभ हो गया 25.44%। इसी से रिलेटेड हमारा एक और सवाल देखते हैं। एक दुकानदार कोई वस्तु खरीदते समय 15% लाभ कमाता है और उसको ग्राहक को बेचते समय भी 15% का लाभ कमाता है, दुकानदार का कुल लाभ कितना हुआ? बेचते समय भी और खरीदते समय भी 15% लाभ है, तो कुल लाभ निकालने के लिए हम फार्मूला पुट अप करते हैं। 15M 15N प्लस का 15 गुणा 15 बटे 100, कितना आएगा 15 15 30, प्लस का 15 की 15 गुणा करिए 225 बटे 100, 30 प्लस का 2.25, दुकानदार का कुल लाभ कितना हो गया 32.25%। इसी ट्रिक से रिलेटेड हम अगला सवाल देखते हैं। इसमें लाभ खरीदते समय अलग लाभ है और बेचते समय अलग लाभ है। एक दुकानदार कोई वस्तु खरीदते समय 8% लाभ कमाता है और बेचते समय भी 15% लाभ कमाता है, तो दुकानदार का कुल लाभ कितना है? यहाँ एम अलग है और एन एन अलग है, तो कुल लाभ कितना आ गया, एम प्लस का एन प्लस का एम गुणा में एन बटे में 100, 15 8 23, 15 15 8 120 बटे में 100, 23 प्लस का 1.20, 24, दुकानदार का कुल लाभ कितना हो गया 24.20%, दुकानदार का कुल लाभ हो गया। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट सवाल है, एक दुकानदार कोई वस्तु खरीदते समय 5% लाभ कमाता है और बेचते समय कितने प्रतिशत लाभ कमाता है? 25% लाभ कमाता है, तो दुकानदार का कुल लाभ कितना होगा? इसका बिल्कुल ट्रिक में मान रखना है और सवाल आ जाएगा। एम प्लस का एन प्लस का 5 गुणा में 25 बटे में 100, 30 प्लस का 125 बटे में 100, तो 30 प्लस का 1.25, दुकानदार का कुल लाभ कितना आ गया 31.25%। नेक्स्ट ट्रिक अपनी आठवीं, किसी वस्तु को 7.20 रुपए में बेचने पर किसी वस्तु पर 10% की हानि होती है। अगर कोई दुकानदार किसी वस्तु को 7.20 रुपए में बेचता है तो उसको 10% की हानि होती है।
उसको 20% लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। बिल्कुल लीजिए, सिर्फ समझने की जरूरत है कि अगर वो 7 रुपए 20 पैसे में बेचता है तो 10% की हानि होती है। मतलब विक्रय मूल्य कितना उसका, पहली लाइन से अगर विक्रय मूल्य 7 रुपए 20 पैसे है, अगर वो उस वस्तु को 7 रुपए 20 पैसे में बेचता है तो हानि कितनी होती है उसको, 10% की। हानि कितनी होती है, 10% की। इससे हम क्या निकाल लेते हैं कि उस वस्तु को उसने कितने में खरीदा। क्रय मूल्य निकालें उसका, क्या निकालें, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालने का हमने फार्मूला शुरू में लिखा था, विक्रय मूल्य गुणा में 100 माइनस का हानि, अगर लाभ हो तो 100 प्लस का लाभ, और अगर हानि हो तो 100 माइनस का हानि। 7.20 गुणा में 100 बटे 100 माइनस का 10, 7.20 की 100 की गुणा करी, 720 बटे 90, 972। तो उस वस्तु को दुकानदार ने कितने रुपए में खरीदा, 8 रुपए में खरीदा। उसका क्रय मूल्य 8 रुपए है, क्रय मूल्य क्या है, 8 रुपए। ये कह रहा है उस वस्तु को कितने में बेचे कि लाभ 20% होगा, लाभ कितना कमाना है, 20% है। और क्रय मूल्य तो सेम ही रहेगा, 8 रुपए में उसने खरीदी थी, अगर वो उसको 7 रुपए 20 पैसे में बेचता है तो 10% हानि होती है, और अगर 20% लाभ कमाना तो कितने में बेचनी पड़ेगी। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य गुणा में 100 प्लस का लाभ प्रतिशत बटे 100। तो मान पुटअप करें, क्रय मूल्य 8 रुपए, 100 प्लस का 20 गुणा में बटे 100, तो कितना आ गया, 8 गुणा में 120 बटे 100, 0 से 0, 2 5 10, 2 6 12, 8 6 48 बटे 5, तो क्रय मूल्य कितना आ गया, 9 5 45, 5 नहीं 45, बस गए 3 5 6 30, 9 रुपए 60 रुपए पीछे में उसको बेचनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है, इस लाइन से हमने उसका क्रय मूल्य निकाल लिया, वस्तु कितने में खरीदी, उसके बाद जो क्रय मूल्य आ गया वो फिक्स है, क्योंकि जिसने जितने में खरीदी थी उतना ही रहेगा, और लाभ कितना कमाना उसको, 20%। इसमें दो फार्मूले बनते हैं, एक ये और दूसरा ये फार्मूला बनता है, और इसको हम ट्रिक के अनुसार करें तो देखते हैं क्या ट्रिक बनती है। अगर ट्रिक के अनुसार करें तो विक्रय मूल्य निकालने की ट्रिक बनती है, पहला विक्रय मूल्य इंटू 100 प्लस का लाभ प्रतिशत बटे 100 माइनस का हानि प्रतिशत, ये हमारी ट्रिक है। जो दूसरा विक्रय मूल्य निकालना होता है उसी सवाल से निकला है जो हमने लिखा है। पहला विक्रय मूल्य कितना है, 7.20, 100 प्लस का 20, 100 माइनस का 10, तो इससे क्या निकलेगा, 7.20 गुणा में 120 बटे 90, 0 से 0, 9 8 0.8 12 8 96, 9.6 रुपए उसका विक्रय मूल्य। ये हमारी ट्रिक है, अगर आप ट्रिक के अनुसार करें तो अच्छा है, दी बेस्ट है, याद रखें इसको, लेकिन और बेसिक भी समझ में रखें। नेक्स्ट सवाल है, बिल्कुल अपोजिट दिया हुआ है, किसी वस्तु को 250 रुपये में बेचने पर 25% लाभ होता है, उसे कितने में बेचे कि 20% की हानि हो। अगर वो 250 में बेचता है तो विक्रय मूल्य कितना उसका, विक्रय मूल्य 250 में बेचता है तो उसको लाभ कितना होता है, 25%। तो इसका मतलब इस इन दो आंकड़ों से क्या निकालेंगे, उस वस्तु का क्रय मूल्य की उसने वस्तु कितने में खरीदी। क्या फार्मूला है, विक्रय मूल्य गुणा में 100 बटे में 100 प्लस का लाभ प्रतिशत, 100 प्लस का लाभ प्रतिशत। विक्रय मूल्य कितना है, 250 गुणा में 100, 100 प्लस का लाभ प्रतिशत कितना है, 25, तो कितना आ गया, 250 गुणा में 100 बटे में 100
पच्चीस, पच्चीस दुनी 250, 125 दुनी, तो क्रय मूल्य कितना आ गया उसका 200 रुपये। क्रय मूल्य कितना आ गया 200 रुपये। इसका मतलब क्या है, उसने उस वस्तु को 200 रुपये में खरीदा, ये फिक्स है। उसको कितने रुपए में बेचे कि हानि कितनी हो 20%, हानि कितनी हो 20%। दूसरा क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, अगर किस मूल्य बेचे इसको हानि 20% हो, तो क्या फॉर्मूला उसका, क्रय मूल्य गुणा में 100 माइनस का हानि प्रतिशत बटे में 100। क्रय मूल्य कितना है 200, 100 माइनस का हानि कितनी है 20 बटे 100। तो कैसे निकालेंगे, 200 गुणा में 80 बटे में 100, 2 पे 160। तो उसको 160 रुपये में बेचे तो उसको कितनी हानि होगी, 20% हानि होगी। अगर इसी ट्रिक से निकाले हम, तो कैसे निकालेंगे, दूसरा विक्रय मूल्य है कि उसको 20% हानि हो और शुरू में 250 बेचे तो 25% लाभ हो। तो दूसरा विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, दूसरा, पहला विक्रय मूल्य 100 माइनस का हानि प्रतिशत है, 100 प्लस का लाभ, 100 माइनस का हानि, 100 माइनस का हानि प्रतिशत बटे 100 प्लस का लाभ प्रतिशत है। विक्रय मूल्य कितना है 250, 100 माइनस का 20 और 100 प्लस का 25, तो 250 गुणा में 80 बटे में 100, 25, 25 दूनी 250, 160 रुपये उसका विक्रय मूल्य आ जाता है। ये ट्रिक दोबारा करें, बार बार करें, आसान है। अगर नॉर्मल तरीके से निकालें तो भी हमने बता दिया आपको। नेक्स्ट ट्रिक अपनी 9th, किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचा जाए तो उस दुकानदार को, किसी व्यापारी को 232 रुपये कम मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य निकालें। पहले तो समझे, अगर वह 12% लाभ की बजाय उसको 8% मार्जिन पर ही बेचता है तो उसको 232 रुपये कम मिलते हैं। किससे मिलते हैं 232 रुपये कम, अगर उसको 12% लाभ पर बेचता है और उसके बाद उसको 8% लाभ पर बेचता है तो उसको 232 रुपये कम मिलते हैं। पहले विक्रय मूल्य से 232 रुपये कम मिलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो 12% की बजाय 8% मतलब 4% लाभ कम करके बेचता है तो उसको 232 रुपये कम करते हैं, मिलते हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं कि क्रय मूल्य का 4% 232 रुपये के बराबर है, क्योंकि अगर वो 4% लाभ कम करता है तो 232 रुपये उसको कम मिलते हैं लाभ के तौर पर। हम ये भी जानते हैं कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, क्रय मूल्य का 4% किसके बराबर हो गया, क्रय मूल्य का 4% किसके बराबर हो गया, 232 रुपये के बराबर हो गया। माना क्रय मूल्य हमको निकालना है तो इसका 4% मतलब 4 बटा 100 बराबर है 232, 32% का मतलब होता है 100। तो क्रय मूल्य कैसे कितना हो गया, 200 गुणा में 100 बटे में 4, 4 5 20, 4 8 32, तो क्रय मूल्य कितना होगा उसका 5800 रुपये उसका क्रय मूल्य हो गया। नेक्स्ट सवाल है, किसी वस्तु को 12.5% हानि के बदले अगर 15% हानि पर बेचा जाए तो उसे 250 रुपये कम मिलते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। इसका मतलब क्या है, अगर किसी वस्तु को वो 12.5% हानि के बदले 15% हानि पर बेचा जाए तो उसको 250 रुपये कम मिलते हैं। अगर पहले वो 12.5% हानि पर बेचता है, फिर उसको और ज़्यादा हानि पर बेचता है, 15% हानि पर बेचता है, कितने प्रतिशत हानि का डिफरेंस हो गया, 2.5% हानि का। अगर वो अपनी हानि को 2.5% बढ़ा देता है तो कितने रुपये हो जाते हैं, 250 रुपये कम मिलते हैं। इसका मतलब 2.5% किसके बराबर है, 250 रुपये के बराबर है। तो क्रय मूल्य का 2.5% किसके बराबर है, 250 रुपये के बराबर है। 2.5% मतलब 2.5 बटे 100 गुणा में बटे बराबर है 250 बराबर है, क्रय मूल्य किसके बराबर हो गया, 250 गुणा में 100 बटे में
2.5 इसके नाम है 0.25 पे 10 तो क्रय मूल्य हो गया 10,000 रुपये। वेरी इजी क्वेश्चन है। इसी से रिलेटेड हम नेक्स्ट सवाल करते हैं, किसी वस्तु को 15% हानि के बदले 18% हानि पर बेचा जाए तो उसे 240 रुपये कम मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य निकालें। अगर कोई दुकानदार किसी वस्तु को 15% हानि के बजाय 18% हानि पर बेचता है, मतलब उसको 3% एक्स्ट्रा हानि होती है, तो उसको कितने रुपए कम मिलेंगे? 240 रुपये कम मिलेंगे। अर्थात क्रय मूल्य का 3% किसके बराबर हो गया? 240। क्रय मूल्य का 3% मतलब 3/100 बराबर है 240। क्रय मूल्य कितना आ गया? 240 × 100/3, 3×8=24। कितना क्रय मूल्य गया? 8,000 रुपये। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी 10वीं। यदि 120 वस्तु के बेचने से 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत बताएं। तो मान लो 120 वस्तु को बेचते हैं तो उसको 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यदि 120 रुपये वस्तुओं को बेचने 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत बताओ। इसमें दो सवाल होते हैं, एक लाभ होता है विक्रय मूल्य के बराबर और एक हानि होती है। अगर लाभ दिया होता है तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? ऐसे सवालों में इसको मान लेते हैं n, इसको मान लेते हैं m, तो लाभ प्रतिशत होगा m घटा का n। अगर लाभ दिया है तो m में से n घटा देंगे, अगर हानि दी हुई है तो क्या है n बटे में जोड़ देंगे। ये हमारी दो ट्रिक है, इससे हम सवाल निकालेंगे। अगर लाभ दिया है तो n बटे में m घटा का n गुणा में 100, अगर हानि दी हुई है तो n बटे m प्लस का n गुणा में 100। तो इस सवाल में क्या लाभ दिया हुआ है? तो लाभ 30 बटे में 90 गुणा में 100, तो कितनी लाभ प्रतिशत आ गया? 100/3% हमारा ये लाभ प्रतिशत आ गया। इसी तरह हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, यदि 200 वस्तुओं के बेचने से 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो हानि प्रतिशत निकालें। तो इसमें क्या होता है, 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे? हमने फार्मूला रखा हुआ है, इसको n मान लेते हैं, इसको m मान लेते हैं, n बटे अगर हानि तो नीचे जोड़ देते हैं, 50/200 + 50×100, तो 50/250×100, 5×20, उसको कितनी प्रतिशत हानि होगी? 20% हानि होगी। ये दो ट्रिक हैं। अगर लाभ प्रतिशत निकालना है तो नीचे प्लस का निशान, माइनस का निशान आएगा, अगर हानि प्रतिशत निकालनी है नीचे प्लस का निशान आएगा। नेक्स्ट ट्रिक हमारी 11th। किसी वस्तु को 760 रुपये में बेचें तो उसको उतना लाभ होता है जितना उस वस्तु को 540 रुपये में बेचने से हानि होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अगर किसी वस्तु को 740 रुपये में बेचते हैं तो उसको उतना ही लाभ होता है अगर उसको जितने 540 में बेचेंगे जितनी हानि होती है। तो इसकी अगर ट्रिक से निकालें या बेसिक तरीके से निकालें, दोनों से निकाल कर देखते हैं। माना क्रय मूल्य क्या मान लिया? ₹100। अगर उसको 760 में बेचते हैं तो लाभ कितना होता है? 760/x, विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। अगर उसको 540 में बेचते हैं तो हानि कितनी होती है? x/540। तो इसका क्या उत्तर आ गया? 2x = 760+540। क्रय मूल्य कितना आ गया? 760+540/2। 760 + 540 कितने हो गए? 1300/2। क्रय मूल्य आ गया 650। माना क्रय मूल्य ₹100। अगर वो लाभ कमाता है, लाभ कैसे कमाएगा? विक्रय मूल्य घटाएगा क्रय मूल्य, 760 घटाएगा x, उसका क्या आ गया? लाभ आ गया।
वो किसके बराबर है, जितनी उसको 540 में बेचने पर हानि होती है। तो हानि कितनी आएगी, क्रय मूल्य घटेगा विक्रय मूल्य, एक्स घटेगा 540, लाभ और हानि क्या है बराबर है, तो एक्स का मान निकाल लें तो यह क्या हो गया क्रय मूल्य है। अगर इसको ट्रिक के अनुसार निकालें तो कैसे निकालते हैं, किसी एक रेडियो को 760 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है, इसको एम मान लेते हैं, इसको एन मान लेते हैं। अगर 760 रुपये में बेचते हैं तो उतना लाभ होता है जितना उसको 540 रुपये में बेचने से होती है। तो क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य निकालने का सूत्र है एम प्लस का एन बटे में 2, यानी 760 प्लस का 540 बटे 2, 1300 बटे 2, यानी 650 रुपये उसका क्रय मूल्य हो गया। नेक्स्ट सवाल है, एक रेडियो को 668 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि 492 रुपये में बेचने से हानि होती है, 492 रुपये बेचने से हानि होती है, इसको एम मान लेते हैं, इसको एन मान लेते हैं। क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, एम प्लस का एन बटे 2 बराबर है 668 प्लस का 492 बटे 2, 668 और 492 जोड़ा कितना गया 1160 बटे 2, 2 5 10 2 8 16 580 रुपये उसका क्रय मूल्य आ गया। नेक्स्ट ट्रिक हमारी 12वीं ट्रिक, किसी वस्तु को अगर 119 रुपये में बेचते हैं तो जो लाभ प्रतिशत होता है वो क्रय मूल्य के क्रय मूल्य के मान के बराबर होता है, अर्थात अगर लाभ 50% है तो क्रय मूल्य कितना है 50 रुपये ही है। तो इसका मतलब यह है कि लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। अगर किसी वस्तु को 119 रुपये में बेचते हैं तो जो लाभ प्रतिशत का जो मान है वो क्रय मूल्य के बराबर है तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालो। माना विक्रय मूल्य को क्या मान लिया एम, तो क्रय मूल्य निकालने का फार्मूला क्या है, क्रय मूल्य निकालने का फार्मूला है 100 √ 910 एम प्लस का 25 इसके ऊपर अंडर रूट और माइनस का 50। तो क्रय मूल्य कैसे निकला, 10 119 प्लस का 25 घटा का 50, 10 कितना आ गया जोड़ियो 144 घटा का 50, 10 गुणा में 12 घटा का 50, 120 घटा का 50 कितना आ गया 70 रुपये क्रय मूल्य हो जाता है। कितना मूल्य है 70 रुपये उसका क्रय मूल्य हो जाता है। इसी तरह अगर अगला सवाल लें तो हम किसी वस्तु को अगर 140 रुपये में बेचते हैं तो लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के मान के बराबर होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालो। तो इसी ट्रिक पर देखते हैं, 10 144 प्लस का 125 घटा का 50, तो 10 इंटू 169 घटा का 50, 10 गुणा में 13 घटा का 50, 130 घटा का 50 किसके बराबर हो गया 80 रुपये उसका क्रय मूल्य आ गया। अब हम करते हैं बट्टे से रिलेटेड क्वेश्चन। बट्टा हमेशा माइनस में ही होता है क्योंकि बट्टा नकारात्मक प्रवृत्ति का आंकड़ा होता है। कभी आ जाता है कि m प्रतिशत और n प्रतिशत दो बट्टे हैं यानी छूट हैं, बट्टे हैं, तो वो किसके समतुल्य होंगे, किसके समतुल्य होंगे। तो m भी माइनस है और n भी माइनस है, प्लस का माइनस एम गुणा माइनस एन बटे 100। अगर इसको करते हैं तो एम माइनस एन माइनस माइनस गुणा करी प्लस एम एन बटे 100, ये हमारा समतुल्य बट्टा हो जाता है। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। 20% और 10% दो समतुल्य बट्टे हैं, इनको किसके समतुल्य होंगे, समतुल्य किसके होंगे, माइनस 20 माइनस 10 प्लस का 20 गुणा में 10 बटे में 100, माइनस 30 प्लस का 200 बटे 100, माइनस 30 प्लस का 2, तो किसके बराबर आएगा, 28% बट्टे के बराबर होंगे। इसी तरह हम एक और आंकड़ा ले लेते हैं,
35% और 15% दो छूट दी हुई है, ये किसके समतुल्य होगी? माइनस 35 माइनस 15 प्लस का 35 गुणा में 15/100 माइनस के 50 प्लस का 35 की 15 गुणा करी 525/100 माइनस के 50 प्लस के 5/25 50 में से 25 गया 45 45 में तो 0.25 गया 44.75% बट्टे के बराबर होंगी। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बट्टे से रिलेटेड एसएससी सीजीएल वगैरह में रेलवे वगैरह में पूछे जाते हैं, तो प्लीज इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें कि बट्टे हमेशा नेगेटिव होते हैं। इसकी ट्रिक है माइनस एन माइनस एन प्लस का एम गुणा में एन बटे सो ये समतुल्य बट्टा निकालने का ट्रिक है। कई बार पूछ लेते हैं कि 35% और 15% और इसी तरह है 25% और 25% दो तरीके के बट्टे दिए हुए हैं, एक बट्टा ये है और एक बट्टा ये, इनमें कौन सा ग्राहक के लिए फायदेमंद है कौन सा दुकानदार के लिए फायदेमंद है ये देखना है कि ये किसके समतुल्य है और ये किसके समतुल्य है। जोन सा ज्यादा है जोन सा भी समतुल्य ज्यादा है वो ग्राहक के लिए लाभदायक है और दुकानदार के लिए हानिकारक है, जोन सा कम है वो दुकानदार के लिए लाभदायक है और ग्राहक के लिए हानिकारक है नुकसानदायक है। आज हमारा ये लाभ हानि और बट्टे से रिलेटेड ट्रिक के ऊपर आधारित चैप्टर पूरा होता है, तो कल हम रीजनिंग के ऊपर एक चैप्टर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई सुझाव है वीडियो में वो करने के लिए पॉजिटिव सुझाव ज़रूर दें, कमेंट बॉक्स में लिखें, लाइक करें वीडियो को। धन्यवाद।